सरकाघाट क्षेत्र के तहत आने वाली आईटीआई बताल को 13 सालों के लंबे अंतराल के बाद भी अपना भवन नहीं मिल पाया है। इसके चलते इस आईटीआई में पढ़ चुके और पढ़ने वाले प्रशिक्षुओं को कई दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। हैरानी की बात यह है कि आज तक इस आईटीआई के लिए जमीन भी फाइनल नहीं हो पाई है, जबकि इमारत बनना तो बहुत दूर की बात है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि इस आईटीआई के साथ जो अन्य आईटीआई बनी है उनकी इमारत कब से बन चुकी है और इनमें बच्चे सभी सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। वहीं कई आईटीआई में ट्रेड भी बढ़े हैं ताकि युवाओं को दूर दूर न जाना पड़े, मगर यहाँ पर सालों से मात्र 3 ही ट्रेड हैं जिनके मुताबिक भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके चलते बहुत कम प्रशिक्षु यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ का हाल देखकर बहुत से प्रशिक्षु अपनी माइग्रेशन इधर उधर करवा लेते हैं। उधर इस आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों में भी यह निराशा है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी आईटीआई को भवन क्यों नहीं मिल पा रहा। इस बारे में आईटीआई के प्रधानाचार्य अनिल कुमार का कहना है कि लंबे समय से जमीन नहीं मिलने के कारण आज तक भवन नहीं बन पाया है। उधर इस बारे क्षेत्र के विधायक कर्नल इंद्र सिंह का कहना है कि आईटीआई के लिए जमीन नहीं मिल रही थी, मगर अब जमीन मिल गई है, जल्द ही इसे फाइनल करके इमारत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पीआईटीवी के लिए सरकाघाट से चमन ठाकुर की रिपोर्ट।